ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश शूटिंग बॉल संघ ने कमर कस ली है और इसी के चलते हमीरपुर में 2 दिवसीय शूटिंग बॉल नेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 8 प्रदेशों के 85 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक सदन नरेंद्र ठाकुर ने किया। इससे पहले 8 प्रदेशों के आए हुए खिलाड़ियों ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश शूटिंग बॉल संघ ने कमर कस ली है और इसी के चलते हमीरपुर में 2 दिवसीय शूटिंग बॉल नेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 8 प्रदेशों के 85 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक सदन नरेंद्र ठाकुर ने किया। इससे पहले 8 प्रदेशों के आए हुए खिलाड़ियों ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश शूटिंग बॉल संघ द्वारा सुपर मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर में 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लड़के तथा लड़कियों की 2 दिवसीय जोनल स्तरीय ओपन शूटिंग बॉल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। चलो जी शुरू करो। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इनके आयोजन से जहां खिलाड़ियों में नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है, वहीं उन्हें एक दूसरे से खेल के नए नए दांव पेश भी सीखने को मिलते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे खेल को खेल की भावना से खेलें ताकि खेल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन हो और एक बेहतरीन प्रतिस्पर्धा देखने को मिले। नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हमारे एक छोटे से शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं हमारे स्टेट के जो पदाधिकारी हैं मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर को चुना। तो बनने जा रही है और स्टेट लेवल पे एशियन लेवल पे इन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर इसका आयोजन करने से जहाँ हमारे हिमाचल के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और हमारे हमीरपुर के जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको आगे आने के लिए एक बहुत बढ़िया मंच उन्हें मिला है। मैं एक बार फिर आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि ये 2 दिन का टूर्नामेंट हमारे यहाँ चला है। आप सबको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में देश के 8 राज्य राजस्थान, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, असम तथा जम्मू कश्मीर के लगभग 85 लड़के तथा लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। 2 राज्यों को मिलाकर 6/6 के समूह में लड़के तथा लड़कियों की टीमें बनाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश को केरल के साथ जोड़कर लड़के तथा लड़कियों की टीम तैयार की गई है। इस प्रतियोगिता में लगभग 85 लड़के तथा लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव रविंदर सिंह तोमर ने बताया कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय का खेल कार्यक्रम और इसी के तहत हमीरपुर में शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय का एक प्रोग्राम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के तहत ये आज यहाँ पर हमीरपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें 8 स्टेट्स के बच्चे दोनों दो दो स्टेट मिलकर के एक टीम बनी हुई है, जैसे हरियाणा और तेलंगाना, ऐसे ही राजस्थान और आसाम, तमिलनाडु, J&K एंड लद्दाख। तो इस तरह से ये 4 स्टेट मिलकर के वो टीम बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश और केरला। तो ये 8 स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सुपर मैग्नेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश शूटिंग बॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में और शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की देख रेख में एक ये भारत सरकार का एक आयोजन है जो यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं सबको खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से
ये ट्रैक सूट किट वो सब उनको दी गई है, साथ में उनको रहना खाना और बाकी सब सुविधाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में यहाँ पर प्रदान की गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक आयोजन भारत सरकार का है, जिससे न केवल दो राज्यों के खिलाड़ी एक साथ आते हैं, उनके सांस्कृतिक उनका मेल मिलाप बढ़ता है और पूरा भारत वो एक सूत्र में बनता है। तो ये मोदी जी का सपना है और शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल बनाया जाए। थैंक यू।